सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज वीडियो में अपन रिव्यू करने वाले हैं द इट शो सीरीज का, जिसको नेटफ्लिक्स के ऊपर ड्रॉप कर दिया गया है। अगर बात करें इस सीरीज के कैटेगरी की, तो भाई ये जो शो है वो आता है डार्क कॉमेडी थ्रिलर के अंदर। एंड जिस फॉर्मेट के अंदर इस शो को बनाया गया है, उस कैटेगरी के अंदर आप लोगों ने काफी सारे शोज एंड मूवीज देख रखे होंगे। जो रिसेंट में नेटफ्लिक्स के ऊपर पॉपुलर हुआ था स्क्विड गेम, वो भी इसी कैटेगरी के अंदर फॉल होता है। तो शो मेरे को कैसा लगा है उसके ऊपर बात करने से पहले अगर बात कर लें इस शो के प्लॉट की, तो आप लोग को इधर भाई आठ स्ट्रेंजर्स की स्टोरी देखने को मिलेगी, जो कि एक दूसरे से तो जान है, लेकिन उनकी लाइफ का एक चीज है जो कि कॉमन है, वो है कि भाई अभी वो लोग फाइनेंशियली काफी ज्यादा अनस्टेबल है। एंड सभी को भाई पैसे कमाने हैं। एंड अगर किसी को ये पता चल जाए कि कुछ गेम से उनको खेलेंगे तो उनको पैसे मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली लोग उसमें पार्टिसिपेट तो जरूर करेंगे ही। तो इधर भी आप लोग को देखने को मिलता है कि कैसे वो लोग इस ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। एंड यहाँ पे चीजें स्टार्टिंग में तो ठीक चलती हैं, लेकिन बाद में जब चीजें वर्स होना स्टार्ट होती हैं, एंड इसके अंदर आप लोग को फिर आगे चल के थोड़ी ब्रूटैलिटी भी देखने को मिलेगी, तो उसके बाद उन लोगों का क्या होता है, वो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे, एंड कितने लोग बच पाते हैं, एंड क्या उनको सही में लाइक जो पैसा बताया गया था वो मिलता है या फिर नहीं मिलता है। अगर आप लोग को ये सब जानना है, देन आप लोग को इस शो को देखना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं मेरे अपने एक्सपीरियंस की, तो मेरे को शो देखने में मजा आया है। एंड इसका एक मेन रीजन ये है कि यहाँ पे मेकर्स ने जो एग्जीक्यूशन है वो काफी अच्छी तरीके से इस सीरीज का करा हुआ है। बिकॉज इस तरीके के आप लोगों ने शोज एंड मूवीज काफी देखे होंगे, एंड अगर ये सीरीज उसी के एकदम सिमिलर पैटर्न पर बनाई जाती, देन डेफिनेटली ऑडियंस बोर हो सकती थी। बट मेरे को लगता है कि यहाँ पे मेकर्स ने कुछ यूनिक पर्सपेक्टिव लाइक शो के अंदर यूज करे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर्स के हिसाब से लोगों को रूम मिले हुए हैं, एंड उनका प्राइस मनी कितना बढ़ेगा वो भी नंबर्स के हिसाब से डिपेंड करता है। बट जब वो लोग अपना नंबर चूज कर रहे होते हैं, तो उनको नहीं पता रहता है कि इसका आखिर में मतलब क्या है। तो शो के अंदर इसी तरीके के छोटे मोटे कुछ यूनिक चीजें हैं जो लाइक आप लोग को बांध के रखेंगे कि भाई अब आगे क्या हो सकता है। एंड ये चीज मेरे को शो की अच्छी लगी है। एंड हर एक एपिसोड इस तरीके से एंड करा जाता है कि आप लोग मजबूर हो जाओ अगला एपिसोड देखने के लिए। शो का जो प्रोडक्शन था वो काफी टॉप नॉच था। आप लोग कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा किसी जगह पे कॉस्ट कटिंग करी गई हो। हर एक चीज आप लोग को भाई अच्छी तरीके से ही दिखाई गई है। सीरीज के अंदर टोटल आप लोग को 8 एपिसोड देखने को मिलते हैं। लेंथ आप लोगों को 42-1 आवर्स के बीच में वेरी करती हुई देखने को मिलती है। तो यस, एक दिन में तो नॉर्मल ऑडियंस नहीं खत्म कर पाएगी, आराम से आप लोग भाई एक दो दिन के अंदर इस शो को निपटा सकते हो। बाकी आप लोगों ने अगर इस शो को देखना स्टार्ट करा है, तो कमेंट बॉक्स में बताना कि अभी तक आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। हिंदी डबिंग मेरे को इस सीरीज की काफी अच्छी लगी है। सो ओवरऑल अगर मैं इस शो को लाइक अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से रेटिंग देना चाहूँ, तो मैं इसको दूंगा 3.5 out of 5 स्टार। मेरे हिसाब से अगर आप लोग को लाइक स्क्विड गेम, द हंगर गेम्स एंड इस तरीके के सर्वाइवल ड्रामास वाली मूवीज या फिर शोज देखना पसंद है, देन आप लोग एक बार को इस शो को भी अपना टाइम दे सकते हो। आप लोग कुछ यूनिक डेफिनेटली देखने को मिलेगा, एंड आप लोग को मजा भी आएगा। बाकी आप लोग अपना एक्सपीरियंस भी डेफिनेटली शेयर करते रहना। तब तक के लिए ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा है, देन इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आप लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय, पीस आउट।